बिजली पानी की किल्लत को लेकर आज अखनूर में युवा नेता अतुल सूदन की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें कई पंच सरपंच भी शामिल थे। उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन व बिजली पानी विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर युवाओं ने उपराज्यपाल प्रशासन का पुतला भी फूंका। अतुल सूदन ने अपने संबोधन में कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन बिजली की कमी के लिए जिम्मेदार है और आज जम्मू कश्मीर में 15-15 घंटे बिजली बंद हो रही है, जिससे सभी बहुत परेशान है। अतुल सूदन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द बिजली व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो बड़ा और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से पिछले 15-20 दिन से तमाम जम्मू कश्मीर में बिजली पानी की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है, हम देख रहे हैं अखनूर में भी पिछले 10-15 दिन से 24 में से 15-15 घंटे जो है बिजली बंद है, जिसकी वजह से ना तो लोगों को पानी पीने के लिए मिल रहा है, दुकानदार सफ़र कर रहा है, स्टूडेंट सफ़र कर रहा है, जिसके विरोध में आज हमने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम LG प्रशासन को ये चेताना चाहते हैं कि अगर आने वाले दिनों में बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं दिया, तो लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, ये विरोध और भी उग्र हो सकता है, जिसके लिए जिम्मेदार LG प्रशासन होगा। एक तरफ आप लोगों को इतने बड़े बड़े बिजली के बिल दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिन में 15-15 घंटे बिजली बंद रहती है, जिसको जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक जो है वो बर्दाश्त नहीं करने वाला है। आज जम्मू कश्मीर का हर शख्स, चाहे वो महिला है, बुजुर्ग है, बच्चा है, वो बिजली की इस किल्लत से परेशान है। हम बार बार ये प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द उन्होंने अपनी इस खामी को ठीक नहीं किया तो युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सड़कों पर उतरेंगे, एक बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसके लिए जिम्मेवार LG प्रशासन होगा। हमारा सवाल ये है कि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर बिजली सप्लाई करता है, हमारे लोगों के लिए बिजली नहीं है। आज आप चिनाब चंद्रभागा पे चले जाइए, दरिया का आपको लेवल, पानी का लेवल वही दिखेगा जो नवंबर दिसंबर में होता था। बिजली के प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं लेकिन हमारे लोगों के लिए बिजली नहीं है। जो पानी के बिल हम एक साल में देते थे, वो पानी का बिल आप छः महीने में ले रहे हो, लेकिन पानी आप अप्रैल महीने में नहीं दे रहे। हमारे बच्चों को स्कूल में जाने के में दिक्कत होती है, उनको सुबह नहलाना होता है, सब हर जगह बिजली का इतना दिक्कत है कि दुकानदार जो है, जिसकी फोटोस्टेट की दुकान है, वो फोटोस्टेट तक नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सफ़र कर रहे हैं, सब सफ़र कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया भाइयों के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज का प्रदर्शन तो सांकेतिक था। अगर सरकार ना सुधरी, LG प्रशासन ना सुधरा, तो आने वाले दिनों में हमारे प्रदर्शन उग्र हो सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन Facebook, डू फॉलो आवर Facebook पेज।